हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब बीबीज के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्कूटी जो पेप प्लस है उसका इंजन डिसमाउंट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ सकती है जब आप अपनी किसी भी स्कूटी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं या करने का आपको प्लानिंग हो। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है इंजन को डिसमाउंट करना। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आज सिर्फ इसका इंजन डिसमाउंट करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हमें सीट बाहर निकालनी होगी, जो उसका बूट है वो आसानी से बाहर निकल आता है। सीट के बाद जो दूसरी स्टेप होगी वो है इसका जो जिसको कहते हैं बैक सपोर्ट जो किया है उसको हमें निकालना होगा ताकि पैनल आसानी से निकाल सकें। अब पैनल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये सेंट्रल नट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ये सारी जो इसकी सपोर्टिंग गार्ड जो दिए हुए हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो बस कुछ इस तरीके से हमारे जो मैक्सिमम पैनल हैं वो अलग हो गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हम इंजन की जो माउंटिंग है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो चीज़ है वो शॉकअप की माउंटिंग है, दूसरी यहाँ पर कार्बोरेटर के पास में यहाँ पर इसकी मेन बुशिंग है, तो हमें यहीं से इसको अलग करना है। चूँकि इसकी जो माउंटिंग है ये बीच में कहीं पर है, तो पहले हमें यहाँ से कार्बोरेटर खोलना होगा, तब जाके ये आसानी से बाहर निकलेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सीधी माउंटिंग है ये पूरी लंबी वाली, हम चाहें तो इसको भी खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें रबर की बुशिंग दी हुई है। तो दोनों में से किसी भी एक जगह से हम इसको खोल सकते हैं, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। तो भाई यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो कार्बोरेटर में जाने वाला जो एक हॉस पाइप है एल्युमिनियम वाला, ये हमें यहाँ से इतना हिस्सा खोलना पड़ेगा ताकि ये जब अलग हो जाएगा तो ये अंदर से निकल पाए।
उसके बिना निकल नहीं पाएगा, तो सबसे पहले हमें इसको खोलना है। बाकी सारी चीज़ें हम इंजन में ही रहने देंगे, सिर्फ वायरिंग अलग करनी है हमें, और जितने भी पाइप पेट्रोल के या एयर पाइप जितने भी हैं उनको अलग करना है। गाइस कार्बोरेटर को खोल, जैसे ही इसका एक्सीलेटर केबल खोलें, इसमें कुछ ना कुछ लगा दीजिएगा इस टाइप का कपड़ा, ताकि कुछ भी इसमें अंदर ना जाए। तो गाइस लगभग सभी पैनल हमने खोल लिए, ब्रेक केबल भी हमने अलग कर दिए, और अब हमें जो ये जो ब्लैक पैनल है इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ताकि जो इसकी मेन माउंटिंग जो शाफ्ट है ये, इसको हम अलग कर सकें। तो गाइस एट द एंड हमको यहाँ पर ये शॉकअप को खोलना है, ये वाला, और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो है इसके इंजन की जो मेन माउंटिंग है वो ये वाले में। इसके बाद में इंजन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शॉकअप, लिए भाई इसको एक बार डिसमाउंट करने की कोशिश करते हैं। तो
तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने जो स्कूटी पेप है उसका इंजन को डिसमाउंट किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम आपको और ये जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से इसमें जो स्विंग आर्म है उसको लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक गाड़ी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.